हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यूएस कुटेक। आज हम देखेंगे कि हम डेट पिकर कैसे ऐड करते हैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर। डेट पिकर होता है क्या, मैं बता देता हूँ। मान लिया जाए कि आप कोई बुक का फॉर्म फिल करवा रहे हैं यूजर से, बुकिंग का। यूजर को आपको बताना है कि उसकी पिकअप डेट क्या है और ड्रॉप डेट क्या है। तो उसमें दो ऑप्शन होंगे, एक पिकअप डेट का होगा और एक ड्रॉप डेट का होगा। तो यूजर क्या करेगा, वहां पे डेट लिखेगा नहीं, आप उसको एक कैलेंडर देंगे। जब वो कैलेंडर में से डेट सेलेक्ट करेगा तो डेट उस बॉक्स में क्या हो जाएगी, सेलेक्ट आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेट पिकर का प्लगइन यूज करना पड़ेगा। जो प्लगइन का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, डब्ल्यूपी डेट पिकर। डब्ल्यूपी डेट पिकर बहुत ही सिंपल प्लगइन है, आप इसको आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेट पिकर को इंप्लीमेंट करना, कहाँ पे, अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के अंदर। देखिए, हम जाएंगे सबसे पहले डैशबोर्ड में। ये डैशबोर्ड ओपन है और डैशबोर्ड में जो प्लगइन यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ प्लगइन सेक्शन में चलते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन में। मैंने प्लगइन को ऑलरेडी क्या कर रखा है, इंस्टॉल्ड कर रखा है। देखिए, मैं प्लगइन का नाम बता देता हूँ, आप भी इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल और एक्टिव कर सकते हैं। देखिए, प्लगइन का नाम आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डब्ल्यूपी डेट पिकर। ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर रखा है और एक्टिव कर रखा है। जब आप इंस्टॉल्ड और एक्टिव कर देंगे तो इसकी सेटिंग्स में जाना है। देखिए, सेटिंग्स में जाने के बाद वो पूछ रहा है कि आपको किस सेलेक्टर के हेल्प से आपको डेट पिकर बनाना है। देखिए, एंटर द आईडी, क्लास, नेम बेस्ड क्या बनाना है वो पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लास का। क्लास एक सीएसएस का पार्ट होता है। क्लास कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डॉट का आप यूज करेंगे और कोई भी आप नाम पास कर देंगे जो आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पे नाम पास कर दिया, डेट पिकर डेटा नाम से मैंने क्या कर दी, क्लास बना दी। आप कोई भी नाम पास कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डॉट डेट भी रख सकते हैं, डॉट डेट पिकर भी रख सकते हैं, डॉट डेट पिकर डेट भी रख सकते हैं। और मैं यहां से इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। बस इतना ही काम करना है। आप अगर आप आईडी देना चाहते हैं तो आईडी हैश से रिप्रेजेंट होती है, तो हैश जो भी आप आईडी देना चाहते हैं आप यहां पे दे सकते हैं। हम क्लास का यूज करते हैं। क्यों क्लास का यूज करते हैं, क्योंकि मुझे इस डेट को दो जगह डिस्प्ले कराना है, एक पिकअप डेट में और एक ड्रॉप डेट में। अगर आप आईडी यूज करते हैं तो आप फॉर्म में एक बार ही डेट पिकर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, क्लास का। क्लास डॉट से रिप्रेजेंट होती है और आप यहां से इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इस क्लास का यूज होगा हमारे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 में। तो हम चलते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 में, जहां हमने फॉर्म बनाया था। ये है कॉन्टेक्ट फॉर्म, देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म में चलते हैं। जो हमारा फॉर्म था वो तक क्या था, कॉन्टेक्ट पेज। इस पे मैं एडिट करता हूं। देखिए, एडिट करने के बाद आप बताइए डेट का ऑप्शन कहां पे रखना है। तो मैं यहां पे रखता हूं, लेबल नाम का टैग ले लेता हूं, लेबल, और मैं यहां पे पिकअप डेट करके ऑप्शन ले लेता हूं। और यहां पे आप लेंगे, यहां से मैं बता देता हूं, यहां से आप टेक्स्ट ले लेंगे, रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर दीजिए, और वो क्लास का नाम पास कर दीजिए जो आपने बनाया था, डेट पिकर डेटा, जो आपने क्लास का नाम रखा था। उसी क्लास के नाम की हेल्प से वो क्या करेगा, आपको डेट पिकर जनरेट करके दे देगा। और आप यहां से इंसर्ट कर दीजिए टैग, और लेबल टैग आप यहां पे क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब हम एक और ले लेते हैं, एक और क्या होगा, ड्रॉप डेट। मैं बता देता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं, लेबल नाम का एक और ले लेता हूं मैं टैग, और लेबल टैग को मैं यहां पे क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। एक और टेक्स्ट आप इसके बीच में बना देंगे, यहां से देखिए 148 आ रहा है, आप इसकी बस यहां पे चेंज कर दीजिए नाम, 149 मैं यहां पे कर देता हूं। और क्लास का नाम मुझे यही यूज करना है, डेट पिकर, और आप यहां से क्या कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए इसको, और यहां पे आप बता दीजिए ड्रॉप डेट के लिए आप इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए, दो मैंने लिए हैं इनपुट, एक पिकअप डेट लिया है और एक ड्रॉप डेट, और क्लास मैंने दोनों में क्या यूज किया है, डेट पिकर डेटा। ये बनाई है मैंने क्लास, कहां पे बनाई है, डब्ल्यूपी डेट पिकर के अंदर जाके उसकी सेटिंग्स में। और आप यहां से इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। देखिए, सेव हो गया है। सेव होने के बाद आप जाएंगे वेबसाइट में और कॉन्टेक्ट अस पेज पे, क्योंकि कॉन्टेक्ट अस वाले फॉर्म में हमने इसको क्या किया, यूज किया है। और आप यहां पे जाएंगे, देखिए यहां पे डेट का आइकन भी बन गया है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैलेंडर आपके सामने क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। और यहां पे भी क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपके सामने क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो आपको अगर कोई बुकिंग टाइप का फॉर्म बनाना है और उसमें कैलेंडर की जरूरत है तो आप डब्ल्यूपी डेट पिकर प्लगइन को यूज कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेट पिकर शो करा सकते हैं, मतलब कैलेंडर शो करा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब देखिए, मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डब्ल्यूपी डेट पिकर क्या करता है, आपको ऑप्शन देता है कि डेट पिकर आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, मेल में भी तो कन्फिगर करना पड़ेगा, क्योंकि मेल में भी आप क्या चाहेंगे कि वो डिस्प्ले हो जाए। तो हमें एडिट में जाना है और मेल में भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये दो बनाए हैं, 148 और 149। तो आप यहाँ पे मैसेज बॉडी के अंदर यहाँ पे आप दो ऑप्शन और लिख दीजिए, डेट पिकअप, और यहाँ पे आप ये ले लीजिए क्योंकि ये मेल पे जाएगा, और डेट ड्रॉप ले लीजिए। और यहाँ पे कौन सा वाला आप बॉक्स ले लेंगे, यहाँ पे 149 वाला, क्योंकि आपको क्या करना है, मेल पे भी कन्फिगर करना है कि आपको ये देखना है कि किस बंदे ने कौन से डेट की बुकिंग की है, तो वो आपके मेल में भी तो जाना चाहिए। इसलिए आपको दिखाना भी है और मेल में कन्फिगर भी करना है।
तो यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर कर दीजिए और यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। देखिए जब आप मेल करेंगे उस फॉर्म से तो एडमिन के पास जो मेल जाएगा उसमें आपके डेट का भी ऑप्शन क्या होगा उसको दिखेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि हम डेट पिकर की हेल्प से कैसे कैलेंडर को लेके आते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, डेट पिकर को कैसे लेके आते हैं, ये पूरा प्रोसेस हमने अभी देखा है। ठीक है गाइस, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप इसको कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, आप कितने भी इनपुट बनाएं, और ये जैसे ही डेट पिकर डेटा आप क्लास यूज करेंगे उसके अंदर, तो वो कैलेंडर उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।